महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर महिला रेसलर द्वारा मानसिक व शारीरिक शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद भी कार्रवाई न होने के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। NSUI के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार गंभीर आरोपों के बाद भी अपने सांसद को बचाने में लगी है। संजय प्लेस स्थित स्पीड कलर लैब पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के विरोध में धरना दिया। उनका कहना था कि एक तरफ खेलों को बढ़ावा देने के नाम पर सांसदों द्वारा हर संसदीय क्षेत्र में खेलों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद पर विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले रेसलर आरोप लगा रहे हैं। जब तक इस प्रकार के सांसद बीजेपी के नेताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या देश और प्रदेश में खेलों में हमारी बेटियां भाग लेंगी? NSUI ने जल्द से जल्द भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी और उनके सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। जब तक सांसद की गिरफ्तारी नहीं होगी और बेटियों के न्याय नहीं मिलते, तब तक कांग्रेस पार्टी बेटियों के सम्मान में संघर्ष जारी रखेगी। आपको बता दें, धरने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित सिंह, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत चाहर, NSUI के जिला अध्यक्ष सतीश सिकरवार, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोहम्मद ताहिर, नितिन प्रताप सिंह, तरुण सागर, कुलदीप दीक्षित आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।